हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आज हम लोग देखेंगे कि मीन, मोड और मीडियन कैसे निकालते हैं, कौन सी डेटा के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज लिया जाता है, वो हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मीन। मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार से, और अगर डिस्क्रीट डेटा के लिए अगर अपने को मीन निकालने को कहे तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू सम ऑफ टोटल वैल्यूज़ अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो इससे मीन निकल जाएगा। अगर अपने जो क्वेश्चन में अगर फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर दिया हुआ है तो उसके अंदर सिग्मा एक्स एफ अपॉन एफ से अपने को क्या निकालना है, मीन निकालना है। नेक्स्ट आता है अगर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के लिए दिया हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर जो मिड पॉइंट सबसे पहले अपने को निकालना होता है, और मिड पॉइंट निकालने के लिए अपने को अपर लिमिट और जो लोअर लिमिट दी हुई होती है उसको 2 से डिवाइड करना होता है। देन उसका फॉर्मूला जैसे फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए था सिग्मा एक्स एफ अपॉन सिग्मा एफ, तो उसी प्रकार से निकालते हैं। तो ये तीन फॉर्मूलाज अपने को मीन के अंदर ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद मीडियन। मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन के लिए जो डिस्क्रीट डेटा का फॉर्मूला है जैसा कि मीन के अंदर देखा था, उसी प्रकार से मीडियन के अंदर अगर अपने को डिस्क्रीट डेटा के अंदर मीडियन निकालना है, इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है एन प्लस वन अपॉन में टू एंड ऑब्जर्वेशन। तो ये इसका फॉर्मूला होता है डिस्क्रीट डेटा का। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए भी इसके अंदर फॉर्मूला जो होता है वो एन प्लस वन अपॉन में टू, ये इसका फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए होता है। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूस, ये इंपॉर्टेंट है मोस्टली एग्जाम के अंदर, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी का ही फॉर्मूला और उसी का क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल्स टू एल प्लस एन अपॉन में टू माइनस एम अपॉन डब्ल्यू इंटू एफ। इसके अंदर एम तो हो गया मीडियन हो गया, सॉरी हाँ मीडियन हो गया। नेक्स्ट है इसके बाद एल का मतलब होता है लोवेस्ट लिमिट। नेक्स्ट आता है एन जैसा कि एन प्लस वन अपॉन में टू, अपने को एंथ ऑब्जर्वेशन निकालनी है। एम का मतलब हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट बिफोर द मीडियन, जो जस्ट बिफोर मीडियन है उसके जस्ट अबाव वाली एम हो गया। नेक्स्ट इसके बाद आता है इसका फ्रीक्वेंसी हो गया, और डब्ल्यू हो गया विड्थ। ओके, नेक्स्ट आता है इसके बाद मीडियन। मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन में सबसे पहला आता है डिस्क्रीट डेटा। इसका बहुत ही ईजी है मीडियन जो मोड है वो निकालना, इसको जेड से डिनोट करते हैं। इसके अंदर अगर एक डिस्क्रीट डेटा के अंदर दिया हुआ है तो इसके अंदर सबसे पहले अपने को असेंडिंग ऑर्डर में जो वैल्यूज़ है उसको अरेंज करना है, और देन नंबर जो डिजिट है वो सबसे ज़्यादा बार आ रखी है वही अपना क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए। फ्रीक्वेंसी डेटा के अंदर अपने को सीधा जो फ्रीक्वेंसी है वो दी हो रखी होगी क्वेश्चन के अंदर, और डायरेक्ट इसके अंदर अपने को पता लग जाएगा कि कितने जो डिजिट है वो सबसे ज़्यादा बार आ रही है, वो इसका मोड हो जाएगा। नेक्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंट है वो है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के लिए इसका फॉर्मूला होता है जेड इज इक्वल टू एल प्लस एफ माइनस एफ वन अपॉन टू एफ माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू डब्ल्यू। एल जैसा कि पिछले हम लोगों ने मीडियन के अंदर देखा था लोवेस्ट लिमिट होती है, एफ हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, एफ वन हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास जस्ट बिफोर, नेक्स्ट एफ टू हो गया जस्ट आफ्टर मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो। नेक्स्ट आता है इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन दो फॉर्मूले होते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के, एक तो डिस्क्रीट डेटा के लिए और दूसरा होता है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के लिए। डिस्क्रीट डेटा के लिए एस डी इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन, और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एस डी इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एफ अपॉन में एन। तो ये अंडर रूट के अंदर अपने को निकालना होता है अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन में एन, और कंटिन्यूस के लिए अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू एफ अपॉन में एन। तो ये फॉर्मूला है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के अंदर वीडियो को शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।